पांच से छह लोग दिल्ली किसी काम से आए थे और जब वो वापस आए तो उनमें कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जिसके बाद गाजियाबाद में दिल्ली से जुड़े बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बॉर्डर पर आने जाने पर रोक लगा दी गई है। सभी आने जाने वालों की चेकिंग भी की जा रही है। सिर्फ एसेंशियल सर्विस, फूड सप्लाई, मेडिकल, पुलिस और पत्रकारों की रियायत दी गई है। गाजियाबाद में जगह जगह चेकिंग ज्यादा सख्त कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और वहीं पर पुलिस बल सभी वाहनों की चेकिंग कर रहा है और साथ ही जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। कल जो आदेश लागू हुआ था परसों रात में, कल आपने देखा था, कल ही वो लागू किया गया था। पूरी शक्ति बॉर्डर पे की गई थी, वही शक्ति उसी रूप में आज भी लागू है। कल की शक्ति का रिजल्ट आज आप देख रहे हैं कि 50% से अधिक गाड़ियां जो चल रही थी अनधिकृत तौर पे, या ऐसी गाड़ियां अनावश्यक रूप से निकल के आ रही थी, वे गाड़ियां आज नहीं आ रही हैं। हम लोगों ने कल एक दूसरी सेपरेट लेन बनाई थी एमरजेंसी सर्विसेज के लिए, एमरजेंसी व्हीकल्स के लिए, वो ऊपर से लेन बन गई है, सारी गाड़ियां ऊपर से जा रही हैं। आज भी आप देख रहे हैं एक भी गाड़ी, मोटरसाइकिल किसी भी दशा में बगैर चेकिंग के अधिकृत जो हैं वही जा रहे हैं।